Friends, subscribe to my channel Jannat Beauty Tips and click the bell icon for updated my new videos. Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Jannat Beauty Tips. So viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेशियल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फेशियल होता क्या है और ये कैसे आपकी स्किन को फौरी ग्लो देता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और सबसे अच्छी और बेस्ट फेशियल किट कौन सी है और ये आपके फेस पर कैसे काम करता है और सैलून से फेशियल करवाते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो व्यूवर्स, फेशियल ट्रीटमेंट एक मसाज है जो आपके फेस पर खून की रवानी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जो आपकी स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक अच्छा एहसास फराहम करता है। बट अगर इस मसाज को वैरायटी दे दी जाए और लुब्रिकेशन के लिए अच्छे एक्सप्रेस यूज़ किए जाएं, तो ये आपके माइंड को फ्रेश करके स्किन को हेल्थफुल और यंगर लुक देगा। और ज़्यादातर फेशियल में ये स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। फेशियल क्लींजर के ज़रिए मेकअप को रिमूव करना और फिंगर्स की हेल्प से स्क्रबिंग करके स्किन को एक्सफोलिएट करना, स्टीम करना, मास्क लगाना और हाइड्रेट करना। और इसके अलावा अगर आप मार्केट विजिट करें तो आपको डिफरेंट टाइप्स के फेशियल मिल जाएंगे। तो व्यूवर्स, नो डाउट के फेशियल से हमारा फेस जगमगा उठता है और ग्लो करने लगता है। बट अगर मटेरियल थोड़ा अच्छा यूज़ किया हो और थोड़ी सी नॉलेज हो तो इसे हम मज़ीद अपनी स्किन के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट पे हम बात कर लेते हैं क्लोज़र कंपनी के फेशियल पर। ब्यूटी की फील्ड में ये एक जाना माना नाम है और जर्मन फॉर्मुलेटेड है। एक अच्छी फेशियल रेंज है और अच्छे रिजल्ट्स भी। तो फ्रेंड्स, कोई भी फेशियल हो, सबसे फर्स्ट पे इसका फेस वॉश यूज़ किया जाता है ताकि जिल्द में जो डर्ट्स वगैरह है वो अच्छे से साफ हो जाए, ताकि बाद में अप्लाई किया जाए वो डायरेक्टली स्किन पर कॉन्टेक्ट करे। इसके बाद क्लींजिंग मसाज किया जाता है। ये थोड़ा लॉन्ग होता है ताकि स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और स्किन सॉफ्ट और नर्म हो जाए और पोर्स के अंदर से मैल और डर्ट्स इसके अंदर हल होकर निकल जाती है। और इसे मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसके बाद जो स्टेप आता है वो है स्किन पॉलिश, और इसे एक तरह का ब्लीच भी कहा जाता है। ये स्किन के लिए थोड़ा सा हार्श भी होता है और स्किन के डेड सेल्स को थोड़ा हार्डली रिमूव करता है। और बहुत से लोग अपने फेशियल से इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि इसको अप्लाई करने से इरिटेशन और जलन भी होती है। और इसे कम करने के लिए ब्यूटिशियंस बाद में कूल मास्क भी यूज़ करवाती हैं। बट अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कोई इशू नहीं। और इसके बाद आता है स्क्रब। तो व्यूवर्स, स्क्रब किसी भी किस्म का हो, स्किन को नरमी के साथ स्मूथनेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद मसाज से आपको फील होता है कि इसमें कोई चीज़ आपकी स्किन के साथ रगड़ खा रही है। ये छोटे छोटे दाने आपकी स्किन को मज़ीद साफ़ करते हैं और फिर इसे स्पंज के साथ साफ कर दिया जाता है। और अगर आप सैलून से फेशियल करवा रही हैं, साफ़ करने के लिए स्पंज यूज़ ना करवाएं बल्कि साफ कॉटन से रिमूव करवाएं, क्योंकि अक्सर ये स्पंज हर तरह की स्किन पर यूज़ होकर आ रहा होता है। सो इसमें जर्म्स चले जाते हैं जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और इसके बाद आता है मड मास्क। इस मास्क को बनाने के लिए समुद्री मिट्टी यूज़ की जाती है, इसलिए इसका नाम मड मास्क रखा गया है। ये आपकी स्किन के ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके स्किन को टाइट करता है और रिंकल्स को स्मूथ कर देता है। और लास्ट पर इनका 3-in-1 स्क्रब मास्क एंड फेस वॉश है। ये मास्क लास्ट में लगाकर आपके फेस को वॉश करा दिया जाता है। ये आपकी स्किन को फेयरनेस और वाइटनिंग देता है और मज़ीद पोल्यूशन से ज़्यादा देर तक तहफ़ फ्राहम करता है, यानी कि डर्ट्स और मिट्टी वगैरह को फेस पर जमने नहीं देता। और डिफरेंट कंपनीज लास्ट पर डिफरेंट चीज़ें फेस पर यूज़ करवाती हैं, कहीं टोनर यूज़ हो रहा होता है और कहीं सूथिंग लोशन। तो फ्रेंड्स, अगर ये 6 ट्यूब्स आप मार्केट से लेना चाहें तो 1500 की ये आपको मार्केट से मिल जाएंगी। और नेक्स्ट फेशियल है सॉफ्ट टच कंपनी का। ये 7 बॉटल्स 1100 में आपको मिल जाएंगी, जिसमें क्लींजिंग, मिल्क,
whitening booster, mineral mask, facial scrub, skin tonic, skin shiner, soothing lotion और whitening powder available है। ये भी Golden Girl Cosmetic कंपनी के जो USA की कंपनी है, इस कंपनी की collaboration से पाकिस्तान में soft touch वालों ने process कर रहे हैं। और गाइस आप इसे सॉफ्टली यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है हमारे पास डर्मा कोस फेशियल, इसमें आपको 10 स्टेप्स मिलेंगे और ये थोड़ा कॉस्टली है और ये आपको 2700 में मिल जाएगा, जिसमें शामिल है क्लेरिफाइंग, एनर्जाइजिंग, पॉलिशिंग, होमलेस और मल्टीपर्पज़ लोशन वगैरह और बैलेंसिंग, डिटॉक्सिफाइंग, मल्टीपर्पज़ डस्ट फ्री और ग्लोइंग स्क्रब क्रीम वगैरह शामिल हैं। और फ्रेंड्स आप कोई भी फेशियल परचेज करते हैं तो इसके साथ एक वाउचर मिलता है जिसमें आपको फेशियल यूज़ करने का बताया जाता है। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा फेशियल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में एक तुर्किश फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है जिसका नाम है डर्मा आईजी प्रोफेशनल। और गाइस ये एक वेल नाउन प्रोडक्ट है वाइटनिंग फेशियल के हवाले से, ये महंगे से महंगे फेशियल का मुकाबला करती है। और इसमें जो स्टेप्स हैं वो हैं 7, और इसमें भी क्रीम, स्क्रब, टोनर, क्लींजर, वाइट क्रीम मास्क और साइबर वाइट सीरम शामिल है। और ये कंप्लीट किट मार्केट से आपको 5000 में परचेज कर सकते हैं। और रिवर्स फेशियल किट में सबसे इम्पोर्टेड जो चीज़ है वो है स्किन पॉलिश और ब्राइटनिंग टोनर ही होता है जो स्किन को फोरी ग्लोइंग करता है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जेंसन्स या डर्मा आईजी का फेशियल परचेज कर लें, ये दोनों के ही सेम रिजल्ट्स हैं और बहुत ही अच्छे वाइटनिंग फेशियल्स हैं। और 1000 और 1500 में भी आपको अच्छा फेशियल मिल सकता है, जैसे क्लोजर, सॉफ्ट टच और डिफरेंट कंपनीज हैं। ये सारे फेशियल आपको किसी भी अच्छे स्टोर से ईजीली मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल जन्नत ब्यूटी टिप्स को और कमेंट कीजिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।